दोस्तों आज की वीडियो है आर यू श्योर एपिसोड 7 की हिंदी एक्सप्लेनेशन की। तो एपिसोड 6 में हमने देखा कि हमारे जिमिन और जंगकुक जापान के सापरो शहर आए हुए हैं, जहां बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल हो रही थी और वहां उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मज़े करे हैं। सुबह की शुरुआत दोनों ने स्पाइसी ब्रेकफास्ट से की थी, फिर हॉट कॉफ़ी पी, फिर सबवे में ट्रैवल करा, विस्की पी और ठंडी से दोनों की हालत ख़राब हो गई थी। और ये जो एपिसोड 7 है, यहाँ उन्होंने एपिसोड 6 से भी ज़्यादा मज़े करे हैं। तो देखते हैं एपिसोड 7 में दोनों ने क्या क्या करा है। बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू होती है और दोनों कार में दिखते हैं और अभी ड्राइव कोई और कर रहा था और जंगकुक कार के विंडो को खोलते हैं ताकि वे दोनों ठंडे हवा का मजा ले सके, कुछ इस तरह। फिर जंगकुक कहते हैं मैंने अभी तक कोई भी स्नोबोर्डिंग की वीडियो नहीं देखी है, पर अब वो खुद ब खुद ही उनके फोन में आने लगी है जब से स्नोबोर्डिंग की बात हुई है। जिमिन, ये स्नोबोर्डिंग बहुत औसम है। जंगकुक, मैं सीख रहा हूँ इसे कैसे करते हैं। जिमिन, सच में तुम सीख रहे हो कि इस तरह कैसे मुड़ते हैं स्नोबोर्डिंग करते हुए। जंगकुक, हाँ ऑफ कोर्स मैं इतना तो फास्ट नहीं हूँ पर मैं करूँगा। जिमिन, मुझे भी सीखना चाहिए। जिमिन, वाओ यहाँ तो बहुत सारी स्नो है, हर चीज सफेद हो गई थी। दोनों बाहर की व्यू देखते हुए आगे जाने लगते हैं। जंगकुक अपने फोन से बाहर की वीडियोस भी लेते हैं। सच में यहाँ तो कुछ ज्यादा ही स्नोफॉल हो रही थी। जिमिन, स्नो के वजह से ऐसा लग रहा है कि हम बहुत तेजी से आगे जा रहे हैं। और फिर जंगकुक के हाथ में ठंड से दर्द होने लगती है। जंगकुक, मेरे हाथ तो अब गिर ही जाएंगे। यहाँ दोनों अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर जा रहे थे और फिर उनकी कार एक कन्वीनियंट स्टोर में रुकती है। दोनों अंदर जाते हैं और जिमिन ठंड के कुछ कपड़े देख रहे थे, वहीं जंगकुक खाने की चीजें ढूंढ रहे थे और उन्हें मिल भी गई। फिर जंगकुक और भी खाने की चीजें लेते हैं, वो ढूंढ ढूंढ कर चीजें ले रहे थे और इधर हमारे जिमिन जंगकुक को ढूंढ रहे थे हमेशा की तरह। फिर दोनों मिलते हैं और सामान खरीदने के बाद दोनों वापस कार में बैठ जाते हैं। जंगकुक, मैंने सुना है कि ये स्वीट पोटैटो की चिप्स बहुत अच्छे हैं और तुम इस सॉन्ग को क्यों सुन रहे हो। जिमिन, कोई प्रॉब्लम है। जंगकुक, मैं बस पूछ रहा हूँ तुम इसे क्यों सुन रहे हो। जिमिन, तुम बस पूछ रहे हो। जंगकुक, हाँ। जिमिन, क्योंकि मुझे ये पसंद है। और फिर जंगकुक ने म्यूजिक बंद कर दिया था तो जिमिन फिर से उस म्यूजिक को प्ले करते हैं और कहते हैं चलो इसे सुनते हैं। जंगकुक, तुम इसे कुछ ज्यादा ही पसंद कर रहे हो। जिमिन, हाँ मुझे ये पसंद है। और ये सॉन्ग थी जंगकुक की हेट यू। जिमिन, मुझे आश्चर्य होता है कि क्या मैं कभी ऐसे किसी सॉन्ग को लिख भी पाऊंगा। और इधर हमारे जंगकुक को नींद आने लगती है और वो सो जाते हैं और जिमिन अकेले ही सुंदर व्यू को देखते हुए जा रहे थे और फाइनली वे अपने अगले डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं जहां वे रहने वाले थे। उनकी कार रुकती है, जंगकुक उठते हैं और कहते हैं मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जिमिन कार से बाहर आते हैं और दोनों अंदर जाते हैं। जिमिन, मुझे लगता है हमें अपनी शूज उतार देनी चाहिए। और तभी वहाँ के स्टाफ उन्हें कहते हैं कि आप अपने शूज उतार दीजिए और फिर वे दोनों चेक इन करते हैं। जिमिन, तुम्हें कीज मिली। जंगकुक, हाँ। जिमिन, हमें कहाँ जाना है। जंगकुक, चलो ढूंढते हैं। और फाइनली वे दोनों अपने रूम में पहुंचते हैं और रूम देखकर तो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। दोनों को ये बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। दोनों आर यू श्योर के क्रू मेंबर्स को थैंक्स बोलते हैं और फिर जिमिन शावर ढूंढने लगते हैं जो कि उन्हें मिल नहीं रही थी, पर फिर दोनों मिलकर उसे ढूंढ लेते हैं। और यहाँ पे एक ट्रेडिशनल जकूजी और सोना थी जिसे देखकर तो दोनों को मजा ही आ गया था। जंगकुक, ये हमारे रिलैक्स करने का लास्ट मोमेंट है, मैं अपने बैंग्स को काटना चाहता हूँ। जिमिन, तुम अपने बालों को काटने वाले हो। और फिर जंगकुक अपने बालों को काटने के लिए बिल्कुल रेडी थे। वो वॉशरूम आते हैं, फिर अपने हुडी को उतारते हैं और अपने बालों को भिगाते हैं और फिर उनकी कटिंग करना शुरू करते हैं। मतलब सीरियसली हमारे जंगकुक को कौन सा ऐसा काम है जो नहीं आता है, वो हर चीज कर सकते हैं। और फिर वो अच्छे से अपने बैंग्स को कटिंग करते हैं, उन्हें अच्छे से शेप देते हैं। उनकी बैंग्स काफी छोटी हो गई थी और बैंग्स के कटिंग के बाद तो जंगकुक बिल्कुल पुराने छोटे से जंगकुक की तरह दिखने लगे थे। फिर वो मिरर में खुद को अच्छे से देखते हैं और फिर वो उस जगह को अच्छे से साफ करते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं। और जिमिन उन्हें देखकर कहते हैं तुम इतने ज्यादा पहचाने हुए क्यों लग रहे हो, ये तो वो जंगकुक है जिसे मैं ट्रेनी डेज में जानता था। जंगकुक, ये बाउल कट है, मैं कभी भी इसे इतना छोटा नहीं करना चाहता था। जिमिन, ये क्यूट है। और फिर जंगकुक स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू पे डांस करना शुरू करते हैं। जंगकुक, इन छोटे बालों के साथ मैं क्या करूं। जिमिन,
तुम्हें तो एक म्यूजिक वीडियो शूट करनी है और ये स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू की रिमिक्स वर्जन शूट होने के ठीक पहले की शूटिंग है। तो जिमिन इस बात को सोचकर हंसने लगते हैं। फिर वहाँ क्रू मेंबर्स भी आते हैं, वो भी जंकू के छोटे बालों को देखकर हंसने लगते हैं। क्रू मेंबर्स उनकी फोटो भी लेते हैं। वो जंकू को कहते हैं कि आप क्यूट लग रहे हो। पिक्चर भी जंकू की बहुत क्यूट आई थी। और इधर जैसे ही जिमिन सोफे पे बैठने जाते हैं, उनके घुटने पे चोट लग जाती है, वो भी बहुत जोर की। तभी वहाँ जंकू आते हैं और उनसे पूछते हैं, तुमने अपने पैर में चोट लगा ली? जिमिन, बहुत जोर की लगी मुझे तो। जंकू, क्या तुम्हें एक और चोट की निशान मिल गई? और फिर जंकू वहाँ से चले जाते हैं ये बोलते हुए कि तुम ठीक हो। फिर जिमिन उठते हैं और इस तरह जंकू के पास जाते हैं। यहाँ जंकू पेट पूजा कर रहे थे। जिमिन, तुम जल्दी ही डिनर करने वाले हो? जंकुक, मुझे पता है। और खाने के बाद फिर दोनों कार्ड्स खेलते हुए दिखते हैं और यहाँ तो दोनों चीजें भी दांव पे लगाने लगते हैं। जिमिन, मैं अपने आधे ट्रायंगल गिम्बप को दांव पे लगाता हूँ। और फिर जिमिन अपने कार्ड्स को शो करते हैं और फिर जंकुक भी अपने कार्ड को शो करते हैं। जंकुक जीत जाते हैं पर वो जिमिन से कहते हैं, जाओ जाकर अपने गिम्बप को खा लो। जिमिन, मुझे इसे अभी खाना होगा? फिर जिमिन उसे खाने जाते हैं। उसे खाते हैं और बाकी का टेबल पे रख देते हैं। जंकुक, तुम्हें बस एक बाइट लेनी है, पूरा नहीं खाना है। जिमिन, हाँ हाँ। फिर सेकंड राउंड के लिए दोनों अपने अपने कार्ड्स को चेक करते हैं। जिमिन, तुम क्या करने वाले हो? पर इस बार जंकुक हार जाते हैं तो जिमिन फिर से अपने गिम्बप को खाते हैं। और राउंड 3 में भी जंकुक हार जाते हैं तो फाइनली जिमिन अपने पूरे गिम्बप को खा जाते हैं। और अब दोनों शावर लेने के लिए रेडी थे। जंकुक, हम यहाँ शावर लेने वाले हैं। जिमिन, हमें कैमरे को बंद कर देना चाहिए। जंकुक, क्या हम चलें? जिमिन, हाँ। जंकुक, हम कैमरे को फिर से ऑन कर देंगे। और जंकुक ये कहते हुए कैमरा ऑफ कर देते हैं। और फिर जब कैमरा ऑन होती है तो जंकुक दिखते हैं नहाते हुए। फिर जिमिन भी आते हैं और अभी दोनों गर्म पानी में थे। और जिमिन ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए जंकुक के सिर पे टॉवल रख देते हैं और फिर अपने सिर पे भी टॉवल रख लेते हैं और दोनों मजे से नहाने लगते हैं। जिमिन, क्या पानी की टेम्परेचर ठीक है? जंकुक, हाँ ये ठीक है। जिमिन, क्या हमें खिड़की खोल देनी चाहिए? जंकुक, हाँ। तो जिमिन जाकर विंडो को ओपन कर देते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। जंकुक, क्या तुम हवा को महसूस कर रहे हो? जिमिन, हाँ। फिर दोनों मजे से गर्म पानी में बैठकर अपनी सारी थकान को मिटाते हैं बातें करते हुए। और फिर जिमिन को वहाँ बैठे बैठे गर्मी लगने लगती है तो अब वे ठंडे पानी के टब में जाते हैं। जिमिन, ये तो हॉट पॉट के जैसा है। जिमिन ठंडे पानी के टब में बैठने जाते हैं पर पानी बहुत ज्यादा ठंडी थी। जंकुक, तुम्हें लगता है तुम ये कर पाओगे? जिमिन, लगता तो है। और फिर वे बैठ जाते हैं पर तुरंत ही जिमिन की हालत खराब हो जाती है। जिमिन, मैं इस ठंड को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। और फिर से वो गर्म पानी के टब में चले जाते हैं। जिमिन, मुझे छू कर देखो, मैं कितना ज्यादा ठंडा हो गया हूँ। और अब जंकुक उस ठंडे पानी के टब में जाते हैं। जिमिन भी बाहर आ जाते हैं क्योंकि पानी बहुत गर्म थी। जंकुक धीरे धीरे उस ठंडे पानी के टब में जाते हैं और जिमिन उन्हें ऐसा करते हुए देख रहे थे और हंस रहे थे। जंकुक, ये इतना ज्यादा ठंडा कैसे हो सकता है? इन लोगों को ये पानी कहाँ से मिल रही है? और फिर जंकुक धीरे से पानी में बैठते हैं तभी जिमिन जंकुक को भिगा देते हैं। और जंकुक की एक्सप्रेशन से हम समझ सकते थे कि ये पानी कितनी ज्यादा ठंडी थी। फिर जंकुक पहले खुद को ठंडे पानी से अच्छे से भिगाते हैं आगे पीछे दोनों तरफ से और फिर चीखते हुए उसमें बैठ जाते हैं। फिर जिमिन भी उन्हें सपोर्ट करने आ जाते हैं और दोनों बैठकर ठंड से चीखने लगते हैं। जिमिन, जंकुक तुम्हें रिलैक्स करनी चाहिए। जंकुक, मैं रिलैक्स नहीं कर पा रहा हूँ अभी। और ठंड से दोनों का दिमाग यहाँ सच में खराब हो जाता है। जिमिन, ये क्या है? जंकुक, मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। जिमिन, मैं बस अब जमने वाला हूँ। ये ठंड तो दोनों के बर्दाश्त के बाहर थी पर दोनों में से कोई भी गिव अप नहीं कर रहा था। दोनों ढीठ की तरह बैठे हुए थे तभी जिमिन गिव अप करते हुए उठते हैं और तुरंत ही जंकुक भी उठ जाते हैं और जल्दी से गर्म पानी के टब में जाकर बैठ जाते हैं। अब जाकर दोनों रिलैक्स हुए। जंकुक, ये अच्छा है, अब जाकर मैं अपने बॉडी के सर्कुलेशन को फील कर पा रहा हूँ। जिमिन, मैं भी। जंकुक, क्या हमें फिर से उसमें जाना चाहिए? जिमिन, चलो फिर से उसे ट्राई करते हैं। और थोड़ी देर तक वे दोनों वैसे ही गर्म पानी में रिलैक्स करते हैं और फिर से ठंडे पानी में आकर बैठ जाते हैं। जिमिन, बाहर की ठंडी हवा अब गर्म लग रही है। फिर दोनों उसमें से बाहर आते हैं और इस तरह पोज मारना शुरू करते हैं। मतलब किसने ही सोचा होगा कि हमें कभी जिमिन शी और जंकुक ऐसे भी देखने को मिल सकते हैं।
ये तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड व्यू है, पर अच्छी है। जंगकुक, हमें यहाँ से अब निकलना चाहिए। और फिर वे लोग शौना में दिखते हैं। ये रूम साउंड प्रूफ थी, तो हम बस इमेजिन ही कर सकते हैं कि वे दोनों के बीच में क्या बातें होती होंगी। बाकी पता तो किसी को भी नहीं उन दोनों के अलावा। और थोड़ी देर बाद दोनों ही उसमें से बाहर आ जाते हैं और शावर लेने चले जाते हैं। फिर शावर लेने के बाद जंगकुक दिखते हैं। जंगकुक, अब अच्छा लग रहा है। फिर जिमिन भी आ जाते हैं और वो यहाँ डायनामाइट पे डांस करते हुए दिखते हैं। और वो भूल भी रहे थे कोरियोग्राफी को, तो जंगकुक उन्हें बताते हैं कि ये ऐसी थी। तो वो फिर से डांस करने लग जाते हैं। और अब काफी ज्यादा रात हो चुकी थी और फाइनली अब दोनों डिनर के लिए जा रहे थे। जंगकुक हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे और बहुत ही ज्यादा क्यूरियस भी थे। दोनों मजे से डिनर के लिए जा रहे थे और फिर दोनों अंदर आते हैं। वहाँ बहुत सारी चीजें रखी हुई थी दोनों के लिए। फिर जंगकुक रिचुअल को फॉलो करते हुए सारी डिशेस को जूम करके दिखाते हैं और हमारे जिमिन से उन चीजों को अलग एंगल से जूम करके दिखाते हैं। और फिर दोनों खाने के लिए बैठते हैं। जिमिन खाना शुरू करते हैं और खाना उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। फिर जंगकुक भी खाते हैं, उन्हें भी खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। जंगकुक, मैं एक एक कर सारी चीजों को ट्राई करूंगा। और फिर जंगकुक एक एक कर सारी डिशेस को ट्राई करने लग जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें उनके लिए यहाँ नई थी, तो वो बहुत ही ज्यादा क्यूरियसली एक एक कर सारी चीजों को खाते हैं। इसके साथ ही जिमिन खाते हुए खुद के कैमरा से रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे, वो भी अपनी एक्सप्रेशन के साथ। फिर दोनों अच्छे से खाते हैं। इसके साथ ही जिमिन टूना फिश खाते हैं, जिसे खाने के बाद जिमिन सुपर टूना पर डांस भी करते हैं। जिमिन इधर सी फूड खा रहे थे, वो जंगकुक को बताते हैं कि ये अच्छी है। जंगकुक भी इसे ट्राई करते हैं और वो जंगकुक को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। इसके साथ ही जिमिन कहते हैं, मैं होप करता हूँ कि हम इस मील को याद रखेंगे जब हम मिलिट्री में होंगे तब, पर मुझे नहीं लगता कि हम ऐसा करने वाले हैं। फिर मजे से दोनों खाते हैं। जिमिन, यूजुअली मैं बियर ज्यादा नहीं पीता, पर इस ट्रिप के दौरान मैंने बहुत ज्यादा बियर पी है। मैं ज्यादा बियर हैंडल नहीं कर पाता, पर जंगकुक उन्हें पीने को बोलते हैं। और जंगकुक की बात जिमिन कैसे टाल सकते थे। तो दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। पीने के बाद तो दोनों की एक्सप्रेशन देखने वाली थी। जिमिन, ये मुझे उस कोल्ड टब की याद दिला रहा है। मैंने इन तीन दिनों में बहुत ही ज्यादा खाया है, जो मुझे टेंशन दे रहा है। जंगकुक, मुझे ये बहुत पसंद आया, मैं आज रात बहुत ही अच्छे से सोने वाला हूँ। दोनों यहाँ बहुत ही ज्यादा रिलैक्स थे अपने सोलो एक्टिविटीज के बाद, अब जाकर ही तो दोनों ने रिलैक्स करा था। जिमिन, मैं बहुत खुश हूँ। और फिर दोनों अपने अपने कैमराज उठाते हैं और वहाँ से चले आते हैं। जंगकुक, सोने से पहले थोड़ा खेल लिया जाए क्या। जिमिन, हम फिर से खेलने वाले हैं। जंगकुक, क्या ख्याल है। जिमिन, ऐसे खेलना काफी फन भरा होगा अगर हमारे लिए महत्वपूर्ण हो तो, जैसे 10 पुशअप्स करें। जिमिन, हमारे पास तो बहुत सारे राउंड्स होंगे, सिर्फ 3 पुशअप्स के बारे में क्या ख्याल है। जंगकुक, हमें एटलास्ट 7 पुशअप्स तो करने ही चाहिए। जिमिन, 5 पुशअप्स के बारे में क्या ख्याल है। और फिर दोनों गेम शुरू करते हैं और फर्स्ट राउंड में हमारे जिमिन शी हार जाते हैं, तो अब उन्हें वादे के अनुसार 5 पुशअप्स करनी थी। तो जिमिन अपने काम पे लग जाते हैं और 5 पुशअप्स कंप्लीट करते हैं। और फिर सेकंड राउंड शुरू होती है, दोनों अपने अपने कार्ड्स शो करते हैं और हमारे जिमिन फिर से हार जाते हैं। तो फिर से वे 5 पुशअप्स करते हैं, इस बार 5 की जगह उन्होंने 6 पुशअप्स कर दी थी। जिमिन, मैंने थोड़ी देर पहले ही शावर लिया था और अब फिर से मुझे गर्मी लगने लगी, तो थैंक यू। जंगकुक, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। तो अब राउंड 3 शुरू होती है। ये मैच काफी इंटरेस्टिंग चल रही थी, पर जिमिन राउंड 3 में भी हार जाते हैं और 5 पुशअप्स फिर से करते हैं। जंगकुक, आज तो तुम लक के बिल्कुल बाहर ही चले गए हो। जिमिन, इसी वजह से मैं कभी बेट्स नहीं लगाता, पर ये बेट हेल्दी है। और बेचारे जिमिन हारे जा रहे थे और पुशअप्स पे पुशअप्स किए जा रहे थे, सच में उन्हें बेट वेट नहीं लगानी चाहिए। गेम अभी भी चल रही थी और इस बार जंगकुक हार जाते हैं, तो अब उन्हें पुशअप्स करनी थी, तो जंगकुक 20 से ज्यादा पुशअप्स कर देते हैं। जिमिन, तुम देख सकते हो ये गेम कितनी ज्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए। जंगकुक, चलो दोनों अपनी अपनी वर्कआउट के लेवल सेट करते हैं। और फिर दोनों मिलकर वर्कआउट करते हैं और दोनों की वर्कआउट देर रात तक चलती है। फिर जंगकुक कहते हैं, चलो सोने चलते हैं। जिमिन, पहले मुझे ब्रश करने दो। फिर दोनों ब्रश करते हुए दिखते हैं। जिमिन, आह, मैं तो अपनी ब्रश लाना ही भूल गया, ये तो मेरी सूटकेस में है। जंगकुक, जाओ और जाकर अपनी सूटकेस से निकाल लो। जिमिन,
हाँ जा रहा हूँ। तभी जिमिन को वहाँ एक ब्रश मिल जाती है। जिमिन, ओहो ये तो मेरी ब्रश के जैसा ही है। फिर जिमिन उसे खोलते हैं और मजे से ब्रश करने लग जाते हैं। जिमिन ब्रश करते हुए थोड़ी सी बदमाशी भी करते हैं जंकू के साथ। फिर वो पिक्चर्स लेते हैं और फिर जंकू का ब्रश करना हो जाता है और वो कहते हैं मैंने आज जो कुछ भी खरीदा है उसे मैं नहीं खा पाया, तो कल मैं इन सभी चीजों को खाऊंगा। फिर जिमिन आते हैं, वो कहते हैं आज हमने बहुत ज्यादा मस्ती करी और अच्छा खाना खाया। जंकुक, हाँ। फिर वो गुड नाइट बोलते हैं, वो भी सारे कैमरास पे जहाँ जहाँ भी कैमरास लगाई गई थी। जंकुक, हमने इस रूम में ज्यादा कुछ नहीं किया पर गुड नाइट, ये एक बहुत अच्छी जगह है। मैं सैड हूँ, हमें इसे छोड़कर जाना होगा। दोनों को ये जगह बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। जंकुक, अच्छा होता अगर हमारे साथ यहाँ और भी लोग होते तो। फिर जंकुक अपने बेड पे दिखते हैं और वो लेट जाते हैं। तभी जिमिन भी वहाँ आते हैं और फिर जिमिन लाइट्स ऑफ कर देते हैं। जंकुक, ये पिलोज बहुत ही ज्यादा कम्फर्टेबल है। जिमिन, सच में? जंकुक, हाँ। और फिर जिमिन भी सो जाते हैं और तभी जंकुक अपने पास की लाइट को ऑन कर देते हैं जिससे जिमिन के फेस पे लाइट पड़ती है और जंकुक हंसने लगते हैं। जिमिन, मेरे पास भी एक है। तो जंकुक अपने पास की लाइट को ऑफ कर देते हैं। तभी जिमिन अपने पास की लाइट को ऑन कर देते हैं ये कहते हुए कि मैंने कहा था ना यहाँ भी एक है। और फिर दोनों लाइट्स ऑन ऑफ करते हुए एक दूसरे को परेशान करना शुरू कर देते हैं। फिर जिमिन रुक जाते हैं पर जंकुक को तो अभी भी मस्ती चढ़ी हुई थी, वो अभी भी लाइट्स ऑन ऑफ कर रहे थे और फाइनली वो भी फिर सो जाते हैं। और धीरे धीरे सुबह हो जाती है। सुबह सुबह सांपों की खूबसूरती तो देखने वाली थी। इधर दोनों के बेड खाली दिखती है और जंकुक सोफे पे दिखते हैं सोते हुए। तभी जिमिन आते हैं और जंकुक से कहते हैं तुम यहाँ बाहर क्यों हो? जंकुक, क्योंकि गर्मी थी। जिमिन, गर्मी? जंकुक, हाँ। जिमिन, सच में? और फिर जिमिन शावर लेने चले जाते हैं और जैसे ही जिमिन जाते हैं जंकुक उठते हैं और इधर उधर देखने के बाद वो फिर से सो जाते हैं और थोड़ी देर बाद वो फिर से उठकर बैठ जाते हैं। फिर होश में आते हैं, सोफे से उठते हैं और पिछली रात जो उन्होंने खाने के लिए चीजें ली थी उसे लेने चले जाते हैं और फिर बैठकर वो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करते हैं। और अचानक बाथरूम से जिमिन के चीखने की आवाज आती है जिसे सुनने के बाद जंकुक की आंखें बड़ी हो जाती है, पर फिर वो अपना पूरा कॉन्सेंट्रेट खाने पे देते हैं और मजे से खाते हैं। खाने के बाद फिर वो भी फ्रेश होने चले जाते हैं। फिर दोनों दिखते हैं नहाने के बाद। जंकुक अपने बैग को पैक कर रहे थे और जिमिन रेडी हो रहे थे और जंकुक अपने कपड़े डिसाइड कर रहे थे। फिर जिमिन मिरर के सामने बैठकर रेडी होते हैं। वे पहले तो सनस्क्रीन लगाते हैं क्योंकि उन्हें अभी स्नो फील्ड में जाना था। जिमिन, हमने न्यूजीलैंड में सनस्क्रीन नहीं लगाया था और हम टैंड हो गए थे तो अभी इसे लगाते हैं। जिमिन अच्छे से अपने फेस पे सनस्क्रीन लगाते हैं और फिर जंकुक भी सनस्क्रीन लगाते हुए दिखते हैं। थोड़ी देर अपने फेस पे अच्छे से सनस्क्रीन लगाने के बाद दोनों ने अपनी अपनी स्किन केयर कंप्लीट कर ली थी। जंकुक, रुको मुझे पहले इन खाने की चीजों को लेने दो। जंकुक सारे बचे हुए स्नैक्स को अपने बैग में डालते हैं और फिर दोनों अपने अपने कपड़े चेंज करते हैं। जिमिन अपने कपड़े को चेंज कर लेते हैं। फिर वो जंकुक को थोड़ा टीज करते हैं, उन्हें जंकुक को परेशान करने में बहुत मजा आता है। फिर जंकुक भी अपने कपड़े को पहनते हैं। जिमिन के जैकेट पे स्ट्रिप्स भी थे जो उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो क्यों है, तो जिमिन उसे पहनते हैं। जंकुक, ओ हम इसे ऐसे उतार भी सकते हैं अगर गर्मी ज्यादा लगने लगी तो। जिमिन, हम ऐसे पिक्चर भी ले सकते हैं। फिर जिमिन कुछ पोजेस देते हैं पिक्चर्स के लिए और फिर कपड़े वगैरह पहन कर दोनों जाने के लिए रेडी थे। अब दोनों अपने अपने सामान उठाते हैं और जंकुक पहले बाहर जाते हैं। जिमिन अभी भी रूम में ही थे तभी वो देखते हैं कि जंकुक की जैकेट वहाँ फ्लोर पे पड़ी हुई है, तो वो उस जैकेट को उठा लेते हैं और अपने सारे लगेज को भी लेते हैं। और इतने सारे सामान लेने के बाद अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किधर जाएं। बेचारे एलिवेटर छोड़कर वो सीढ़ियों से उतरने लगते हैं वो भी इतने सारे सामान के साथ। फिर वो नीचे पहुँचते हैं और जंकुक से कहते हैं जंकुका क्या तुम अपने कपड़े भूलते रहते हो, तुम बहुत क्लमजी हो। फिर जंकुक अपने जैकेट को लेते हैं और जिमिन को थैंक्स बोलते हैं और दोनों वहां से बाहर आ जाते हैं। कार में बैठते हैं, जंकुक ड्राइव कर रहे थे और बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी। जिमिन केयरफुली ड्राइव करना। जंकुक मैं केयरफुली ड्राइव करता हूँ। और दोनों आगे बढ़ते हैं। जंकुक मुझे अचानक से ऐसा फील हो रहा है कि हम अभी जापान में नहीं हैं, ये नॉर्दर्न यूरोप की तरह लग रही है। और फिर दोनों अमेजिंग व्यू देखते ही वे जाने लगते हैं। जंकुक तुम्हें पता है कॉस्मिक हॉरर क्या है? जिमिन हाँ।
ये कुछ ऐसा है जब तुम इनक्रेडिबल और बड़ा फील करते हो। जंगकुक, जैसे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। वहाँ एक बड़ी सी पहाड़ थी बर्फ से ढकी हुई। जंगकुक, धूप मेरे राइट साइड पे पड़ रही है। थैंक गॉड मैंने सनस्क्रीन लगा रखी है। फिर जंगकुक धूप से बचने की पूरी कोशिश करते हैं, पर धूप को तो वो कुछ ज्यादा ही पसंद आ गए थे। फिर जंगकुक कहते हैं, मुझे लगता है इन दिनों मैं बहुत जल्दी ही खाना डाइजेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खा रहा हूँ, फिर भी मैं भूखा हूँ। जिमिन, तुम्हारी पेट स्ट्रेच हो गई। जंगकुक, हाँ। और फिर जंगकुक कार को एक जगह पे पार्क करते हैं। वहाँ वो कुछ ब्रेकफास्ट का सामान लेने वाले थे। जंगकुक वहाँ जाते हैं, फूड सिलेक्ट करते हैं, और पेमेंट के वक्त वो कंफ्यूज हो रहे थे कि कैश से पेमेंट करें या कार्ड से। जंगकुक, मेरे पास तो कैश ही नहीं है। तो फिर वो अपने कार्ड को निकालते हैं और उससे पेमेंट करते हैं, और उनकी ऑर्डर यहाँ कंप्लीट होती है और जंगकुक बाहर आ जाते हैं। वो बर्फ में थोड़ा डांस करते हैं जब तक उनकी ऑर्डर रेडी नहीं हो रही थी, और फिर वो जिमिन को ढूंढने लगते हैं। जंगकुक क्रू मेंबर से पूछते हैं, जिमिन कहाँ है? तो क्रू मेंबर कहते हैं, वो कार में है। जंगकुक, वो तो बस वहाँ बैठा रहता है और गेम्स खेलता है। और जिमिन सच में गेम्स ही खेल रहे थे। जंगकुक जिमिन के पास जाते हैं और कहते हैं, मुझे कुछ अच्छा मिला है। जिमिन, तुम्हें क्या मिला है? जंगकुक, कुछ ब्रेड्स, रेड बीन और चीज के साथ, पर तुम्हारे लिए नहीं है। जिमिन, मेरे लिए भी कुछ ले आओ। और फिर जंगकुक अपने ऑर्डर किए हुए खाने को लेकर आते हैं और उसे खाना शुरू करते हैं। फिर जिमिन भी उसे खाते हैं। दोनों मजे से खा रहे थे, खाना उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। और फिर जंगकुक ड्राइव करना शुरू करते हैं। फिर जंगकुक जिमिन को कुछ फ्राइड पोटैटो देते हैं। जंगकुक, एक मेरे लिए निकालो। जिमिन, ओ तुम्हें चाहिए? तो जिमिन जंगकुक को वो देते हैं। जंगकुक उसे भी मजे से खाते हैं। फिर जिमिन भी कुछ खाते हैं जो उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, तो वो जंगकुक को भी उसे खिलाते हैं, तो जंगकुक को भी वो बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। जंगकुक, मुझे और ले लेना चाहिए था। फिर जिमिन जंगकुक को और खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं, और डिलीशियस स्नैक्स खाकर वो दोनों मजे से आगे जाने लगते हैं। फिर दोनों सिंगिंग भी करते हैं। यहाँ दोनों स्नोबोर्डिंग करने जा रहे थे। जंगकुक, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और फिर वे लोग थोड़ा और ड्राइव करते हैं और अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं। दोनों कार से उतरते हैं। जंगकुक, ये बहुत फन भरा होने वाला है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, जल्दी चलो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। और फिर जिमिन भी अंदर जाने लगते हैं। दोनों अंदर जाते हैं और अच्छे से गर्म कपड़े पहनते हैं। जंगकुक खुद को अच्छे से कवर करते हैं, और यहाँ जंगकुक को देखकर जिमिन की हंसी रुक नहीं रही थी। जिमिन, तुम क्यूट लग रहे हो, तुम एक यत्ती के जैसे लग रहे हो। पर जंगकुक यहाँ बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। फिर दोनों अपने अपने स्केट बोर्ड लेते हैं और बाहर आ जाते हैं। बाहर बहुत सारी स्नो थी। जिमिन, वाव, ये सब रियल स्नो है। स्नो देखकर तो दोनों को मजा ही आ गया था। जंगकुक, स्नो बहुत अच्छी है और बहुत क्रंची है। जिमिन, मैं स्नोबोर्डिंग करने गया था 7 साल पहले, तो मुझे नहीं पता कि आज मैं कैसा करूँगा। जंगकुक, तुम कर सकते हो। जिमिन, हाँ मैं कर सकता हूँ। फिर दोनों उस जगह पे जाते हैं जहाँ उन्हें स्नोबोर्डिंग करनी थी। जंगकुक बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर बाहर आते हैं। यहाँ बहुत ही ज्यादा स्नोफॉल हो रही थी और व्यू भी कमाल की थी। यहाँ बहुत बहुत सारे चीड़ के पेड़ थे, वो भी बर्फ से पूरे ढके हुए। और फिर दोनों स्नोबोर्डिंग के लिए खुद को रेडी करते हैं। जिमिन, क्या मैं इसे ठीक कर रहा हूँ? और फिर जंगकुक स्नोबोर्डिंग करना शुरू करते हैं और वो बहुत अच्छा करते हैं। जिमिन, मुझे डर लग रहा है, शायद मैं तुरंत ही गिर जाऊंगा। और वैसा ही होता है, जिमिन गिर जाते हैं। वो फिर से उठते हैं। जिमिन, मैं नीचे कैसे जाऊं? और फिर से वो स्नोबोर्डिंग करना शुरू करते हैं और थोड़ी दूर जाकर वो फिर से गिर जाते हैं। इधर हमारे जंगकुक ने काफी अच्छी शुरुआत करी थी। वो काफी लंबे वक्त तक अपने बोर्ड पे खड़े रहे और बहुत ही अच्छा कर रहे थे वो। इधर हमारे जिमिन बर्फ के साथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं। वो कहते हैं, पर मैं आपको दिखा दूंगा कि मैं कितना जल्दी सीखता हूँ। वो फिर से शुरू करते हैं और फिर से गिर जाते हैं। हमारे जिमिन सच में बहुत ही ज्यादा क्यूट हैं। वो खुद भी गिर रहे थे, साथ में कैमरामैन को भी गिरा रहे थे। जिमिन, मैं वहाँ नीचे कैसे जाऊँ? वो पूरा कोशिश करते हैं और फाइनली आखिरकार हमारे जिमिन भी अपने बोट को कंट्रोल कर ही लेते हैं, और उन्हें अब बहुत मजा भी आने लगा था। पर इसके बाद वो फिर से बहुत बार गिरते हैं और फिर वो जंगकुक के पास जाते हैं और वहाँ बैठ जाते हैं।
जिमिन, मुझे नहीं पता मेरे बाल अभी कैसे लग रहे हैं। मैं एक बहुत कूल स्नोबोर्डर के जैसा लग रहा हूँ इस कैमरा में। जंगकुक व्यू देख रहे थे और फिर दोनों ही स्नोबोर्डिंग करना शुरू करते हैं। दोनों यहाँ बहुत अच्छा कर रहे थे और थोड़ी दूर जाने के बाद फिर से दोनों गिर जाते हैं, पर फिर से दोनों उठते हैं। जिमिन ने तो यहाँ कमाल ही कर दिया, वो बहुत अच्छा कर रहे थे। इधर हमारे जंगकुक भी बहुत अच्छा कर रहे थे और अब जिमिन का हो गया था। वो बहुत ही ज्यादा थक चुके थे और फिर से दोनों ऊपर आते हैं। जंगकुक ये थका देने वाला था, जिमिन हाँ, और फिर से जिमिन लेट जाते हैं बर्फ में। जंगकुक फिर से स्नोबोर्डिंग करने लग जाते हैं। तभी जिमिन जंगकुक को बुलाते हैं क्योंकि उन्हें पिक्चर्स लेनी थी। दोनों साथ में बैठते हैं और पिक्चर लेते हैं। और अब जंगकुक का मन स्कीइंग करने का कर रहा था। जंगकुक, स्कीइंग भी बहुत ही ज्यादा मजेदार है। जिमिन, क्या? जंगकुक यहाँ जिमिन के परमिशन का वेट कर रहे थे कि कब जिमिन उन्हें स्कीइंग के लिए अप्रूवल दे दे। तभी जिमिन कहते हैं, क्या तुम इसे बाद में ट्राई करना चाहोगे? और अब जंगकुक स्कीइंग करने के लिए रेडी थे, वो भी पहली बार। उन दोनों को पहले थोड़ा गाइड किया जाता है और ये तो और भी ज्यादा मुश्किल भरा था। जंगकुक काफी ज्यादा ट्राई कर रहे थे पर उन्हें बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था बैलेंस बनाने में। वहीं जिमिन भी अपना पूरा कोशिश कर रहे थे और फाइनली जंगकुक ने इसमें भी अपना कंट्रोल बना ही लिया और अब वो स्कीइंग भी अच्छे से करने लगते हैं। जिमिन भी बहुत अच्छा कर रहे थे, मतलब स्कीइंग में तो जिमिन ने कमाल ही कर दिया। बिना गिरे हुए वो काफी दूर तक जा रहे थे और उन्हें भी स्नोबोर्डिंग से ज्यादा पसंद ये स्कीइंग आ रही थी। दोनों एक साथ इस स्कीइंग को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं और फिर दोनों के यहाँ से जाने का वक्त हो जाता है। दोनों ने यहाँ एक साथ बहुत ही ज्यादा एंजॉय करा। जिमिन, मेरी सारी एनर्जी खत्म हो गई, अब मुझे खाना चाहिए। और ये एपिसोड 7 यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी एपिसोड 7 की एक्सप्लेनेशन। ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आर यू श्योर के लास्ट एपिसोड के साथ। बाकी ये थी आज की वीडियो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें जिसके लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।